सावन माह का आज से शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो गया है। इसी क्रम में हरिद्वार के गंगा नदी में स्नान करने और भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं हरिद्वार पहुंचने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मेले को देखते हुए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, जिससे दिल्ली से हरिद्वार की दूरी बढ़ जाएगी। वहीं हरिद्वार पुलिस प्रशासन का कहना है कि मेले के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। दो चरणों का ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। प्लान का पहला चरण 17 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगा। वहीं दूसरा चरण 24 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक लागू रहेगा। फिलहाल कांवड़ यात्रा के शुरुआत के साथ ही भारी वाहनों को हरिद्वार हाईवे पर आने पर रोक लगा दी गई है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। बस एक दो दिन रह गए कांवड़ यात्रा होने में। कांवड़ क्योंकि बहुत विराट रूप में इस बार कांवड़ होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और मेरा सावन प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि भगवान शिव हरिद्वार में रहते हैं। महादेव ने दक्ष को वचन दिया था कि मैं एक मास कनखल में रहूँगा। इस बार वाला जो कांवड़ है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, जो हमें अदर स्टेक होल्डर से सूचनाएं मिल रही हैं, अभी तक का सबसे बड़ा कांवड़ होने जा रहा है। दो साल से सारे बड़े इवेंट बंद थे कोविड के कारण, तो इस बार विंड हमारे पास लोगों के पास अवसर है घरों से बाहर निकलने का।